जहां एक तरफ दुनिया चरमपंथी आतंकवाद का शिकार है, तो वहीं करोड़ों मुसलमान ऐसे भी हैं जो आतंकवाद के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े शांति मार्च यानी पदयात्रा की, जिसमें लगभग 3 से 4 करोड़ लोग शामिल होते हैं। फिर भी मीडिया इस घटना को कवर ना करना मीडिया के रुख पर कई सवाल खड़ा कर देता है। अगर कहीं पर भी 2 से 4 हजार लोग किसी बात के लिए जमा हो जाते हैं तो वहां मीडिया का जमावड़ा लग जाता है, लेकिन 2 से 4 करोड़ लोगों को एक साथ शांति के लिए जमा होना मीडिया का इस साहसी कदम को नजरअंदाज करना हैरान कर देने वाली बात है। हम आपको बता दें कि शांति मार्च का आयोजन शिया मुसलमान द्वारा हर वर्ष किया जाता है, और इसमें शिया मुसलमान के साथ सुन्नी मुसलमान, हिंदू, ईसाई व कई धर्म के लोग शामिल होते हैं। ये आयोजन इराक में होता है, जहाँ पर इराक के लोग करबला से नजफ तक का सफर पैदल तय करते हैं। इराक में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने इस पीस मार्च का कड़ा विरोध किया और इसमें शामिल लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। अब इस मार्च को आईएसआईएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में भी देखा जाता है। ये मार्च इमाम हुसैन की करबला में हुई शहादत से शुरू हुआ है। इसे आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज के रूप में देखा जाता है। भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर समेत भारत के कई अन्य बड़े हिंदू धर्म इस मार्च में शामिल हो चुके हैं। भारत से भारी संख्या में लोग इस पीस मार्च में शामिल होते हैं। करोड़ों लोगों को भीड़ में आपको भारत का झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। हम आपको बता दें, इस पदयात्रा में दुनिया का सबसे बड़ा भोज का आयोजन होता है, जहां पर 80 किलोमीटर का लंबा दस्तरखान सड़क के किनारे लगाया जाता है। साथ ही रास्ते में मेडिकल कैंप व अन्य जरूरतों के सामान उपलब्ध कराए जाते हैं। ये पीस मार्च 3 दिन तक चलता है, जिसमें लोग 80 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। इसका आयोजन दुनिया में अरबईन के नाम से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन समाचार।